प्लस टू क्लास के अंदर हम फर्स्ट यूनिट पढ़े थे सोलिस्टेट, और इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं पीछे, हमने जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ एटम के बारे में। हमने एटम के बारे में क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम है क्लोज पैकिंग। ठीक है भाई, देखिए जब हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिट, हमने बात की थी सॉलिड की, ठीक है ना भाई। तो सॉलिड के हमने क्या के अंदर बात लिखी थी, हमारा एक जो करैक्टरिस्टिक्स था, फर्स्ट एक रखी था, वो क्या था कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है ना भाई, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है, हमने एक डायग्राम भी बनाया था, इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया था भाई, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को ऐसे दिखाया था। ठीक है भाई, तो क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि जब कोई भी सॉलिड होगा, मान लीजिए NaCl है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो भी आपके पास सॉलिड्स हैं, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं और उनके बीच में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर हमारे पास टॉपिक आया है क्लोज पैकिंग। तो क्या कहता है कि भाई जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स को बनाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, क्लोज पैकिंग होगा। तो यहाँ से इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर। ठीक है भाई, नेबर्स, ठीक है, ऑफ नेबर्स ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी आपका एक पार्टिकल है उसके नजदीक कितने पार्टिकल्स और हैं। ठीक है भाई, उसको आप क्या बोल रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारी क्लास का रूम है, इसी रो के अंदर एक रूम उसके इस तरफ और एक रूम उसके इस तरफ है। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए हमने नाम दे दिया कि ये 9th+1 साइंस है, ये +1 आर्ट है और +1 कॉमर्स है। ठीक है भाई, मतलब हमने क्या किया, ये कहता है कि भाई आपके पास तीन रूम थे। ठीक है, ये आपका है 11th साइंस, ये आपका भाई 11th कॉमर्स, और ये आपका क्या है 11th आर्ट। ठीक है, तो भाई क्या है, इस रो के अंदर अगर आप इस पार्ट, इस क्लासरूम की बात करते हो, मान लीजिए आपका ये क्लासरूम है, तो इसके नेबर कितने भाई, एक तो ये है और एक इसका ये है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से आपका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो कितना बनता है भाई, 2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें इस बात का पता है कि भाई सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो अपने पास नेबर को रखेंगे। ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करना होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी पार्टिकल, की कोई भी पार्टिकल है उसके नियरेस्ट नेबर कैसे होगा। तो जब हम बात स्ट्रक्चर की करते हैं, तो हमें पता है कि भाई आज के टाइम पे तो 3D चला हुआ है। ठीक है, कि एटम का स्ट्रक्चर जो है भाई वो 3D के अंदर डिस्कवर्ड है। हम अलग अलग बात कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशन। ठीक है ना भाई, इसकी बात कर लेते हैं हमें, इन वन डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कि भाई एक डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने स्पीयर से इंडिकेट कर दिया भाई कि आपका ये स्पीयर है, आपका ये स्पीयर है भाई, ये स्पीयर आपके पास, ये स्पीयर है और ये स्पीयर है, हो गया ना भाई वन डायमेंशन। ठीक है, जो केवल एक एक्सिस के अलोंग हो, वन डायमेंशन का मतलब क्या है, जो केवल आपका एक एक्सिस के अलोंग हो। ठीक है, तो अब आप है ना, एक बार इस एलिमेंट को देख लीजिए भाई, मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दे दिया भाई कि एक ए एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके नजदीक एक तो आपका एलिमेंट ये है भाई और एक आपके पास एलिमेंट ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ए के साथ दो एलिमेंट अटैच हैं। इस ए के साथ एक एलिमेंट आपका ये अटैच है भाई और एक इस ए के साथ इसका सेकेंड एलिमेंट ये अटैच है, तो इसका मतलब
कि यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना बनता है, 2। तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी पार्टिकल इन वन डायमेंशन, ठीक है, एनी क्रिस्टलेटिक, ठीक है, कि भाई वन डायमेंशन के अंदर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ पर कितना बनता है भाई, 2। क्यों बनता है 2, क्योंकि इसके साथ दो पार्टिकल अटैच है। आप किसी को भी चूज कर लीजिए, किसी को भी, आपको इनिशियल और फाइनल छोड़ना पड़ेगा भाई, तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर और लेके आ सकते हो, यहाँ पर और लेके आ सकते हो, ठीक है भाई। इसका मतलब ये क्या है, इन वन डायमेंशन। अब बेटा हम बात करते हैं इन टू डायमेंशन की, कि भाई टू डायमेंशन के अंदर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, टू डायमेंशन का मतलब क्या है, जो दो एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, मतलब कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो और किसके एक्सिस के अलोंग भी हो, वाई के अलोंग हो, ठीक है, मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के अलोंग हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या यहां पर टू डायमेंशन में दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कहीं पर ये आपको एससीपी दिखाई दे जाएगा भाई, फुल फॉर्म के अंदर एससीपी, शॉर्ट फॉर्म के अंदर, सॉरी, ठीक है। एक होता है बेटा एक्जागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है भाई, जैसे नाम से पता चल रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, एचसीपी, एक्जागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे होता है, अब देखो यहां पर तो सिर्फ वन डायमेंशन में था, तो यहां पर तो एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहां पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है, या व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है। अभी हम ड्रा करते हैं भाई, क्या कहता है, मान लीजिए हम है ना ऐसे स्फीयर बना रहे हैं भाई, ठीक है, हमने क्या बनाया भाई, स्फीयर बनाए, ये आपके पास स्फीयर है भाई, ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं भाई, कि ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हमने वाई एक्सिस के लोंग भी ऐसे ही बना दिया भाई, ये देखिए, तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया, ए, फिर हम फिर बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, तो इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जो इसका है आपके पास, किसका अरेंजमेंट है, एससीपी का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसका बेटा जो अरेंजमेंट है वो क्या है भाई, ए ए ए, ठीक है, मतलब ए ए के हिसाब से चलता रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए आपके पास ए ए ए ए, ठीक है, ये इसका अरेंजमेंट है। अब हम बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, बेटा एक बार है ना आप इस पार्टिकल को उठा के देखिए, मान लीजिए आपके पास ये ए पार्टिकल है, अब देखना इसके साथ है ना, एक तो आपके पास ये एलिमेंट अटैच है भाई, एक इसके साथ ये एलिमेंट अटैच है, ठीक है, एक बेटा इसके साथ ये एलिमेंट अटैच है और एक आपका ये एलिमेंट अटैच है। देखिए आप ध्यान से, इस पार्टिकल के साथ ये अटैच है, ये पार्टिकल इसके साथ अटैच है, ये पार्टिकल है वो और ये पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई ऐसा आपके पास कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर बनाने का मेरा मतलब क्या है कि भाई ये चार पार्टिकल्स इसके साथ अटैच हैं, तो बेटा यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो बनता है वो कितना बनता है, 4, ठीक है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि एचसीपी के अंदर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है बेटा, 4, और उसका अरेंजमेंट क्या होता है, ए ए ए ए और ए ए एंड सोन, ऐसे चलता रहता है। चलो बेटा बात करते हैं एक्जागोनल क्लोज पैकिंग की, ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि भाई ये एक एक पार्टिकल है, ठीक है, अब हम ऐसा बना सकते हैं भाई क्या, ये अरेंजमेंट मान लीजिए हम एक्स और वाई के अलोंग अगर हम बनाते हैं तो क्या ये आपको इसके जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा भाई, क्योंकि इसके नीचे अगर आता है इसकी तरह तो हम लिखते, इसका मतलब ये आपका क्या है भाई, अलग अलग अरेंजमेंट है इसका, डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है।
फिर वही क्या हुआ आगे बेटा, फिर वही सेम आ गया ए ए बी ए बी, सॉरी बेटा फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां से बेटा अगर आप अरेंजमेंट की बात करते हो तो यहां पे बेटा आपका अरेंजमेंट आता है ए बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब ये तो वो आपका अरेंजमेंट की बात। अब यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, मैं इस पार्टिकल को देखता हूं एक बार, आपको ये देखना है, आप देखिए एक बार ध्यान से कि इस पार्टिकल के साथ कितने एलिमेंट आपके अटैच हैं, ठीक है। एक बार देखो और बताओ मुझे किसके साथ आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो आपने देखा होगा यहां पर, देखिए आप, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि इस पार्टिकल के साथ है ना एक एलिमेंट ये अटैच है भाई, एक इसके साथ ये एलिमेंट अटैच है, एक बेटा इसके साथ ये एलिमेंट अटैच है, एक इसके साथ ये एलिमेंट अटैच है, ठीक है। एक ये अटैच है और एक आपका क्या है भाई, ये अटैच है। तो देखिए इसके साथ, एक बार मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखना आप, इस एलिमेंट के साथ कितने आपका एलिमेंट अटैच दिखाई दे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब ऐसा कुछ आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बेटा आपका कितना हुआ, 6, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसके ऊपर, फिर हम 3D के अंदर जाएंगे कि बेटा अगर वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर आप बात करते तो कितना होता है, 2, ठीक है। अगर आप 2D के अंदर, हमारे पास दो पैकिंग एफिशिएंसी बनी, पैकिंग बनी बेटा, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको इस चीज से नहीं घबराना है कि भाई मान लीजिए वो आपको HCP देता है या वो आपको SCP देता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्यू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अरेंजमेंट AAA, दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से, और सेम ऐसी बेटा इसके साथ होता है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन के अंदर, ठीक है ना भाई। तो देखो अब हम 3D बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये 2D के अंदर है, आपको भी पता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो इसको हम ना एक बार इमेजनरी कर लेते हैं, एक एक्सिस को हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बात बोल दी कि भाई मुझे 3D में देखना है, ठीक है। तो 3D का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बेटा जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बेटा मान लीजिए हमने बनाया, तो बेटा यहां पर आपके पास 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। कितने बन जाते हैं भाई आपके पास, 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है, एक तो बेटा आपका 2D मतलब 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है बेटा। क्या बन जाता है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक बेटा आपका बन जाता है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और एक बेटा बन जाता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल के बेस के ऊपर आपका बन जाता है टेट्राहेड्रल के ऊपर, वो 3D के अंदर ही होता है। तो बेटा यहां पर सिर्फ आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है, ये क्या होगा भाई, AA का होगा, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट आपका AA का होगा, उसी तरह कि भाई क्या होगा, जैसे टाइपर मैं बना के दिखा देता हूं आपको, मैंने 2D के अंदर भी बनाया था इसी को सेम एज इट इज, ठीक है। ऐसा बेटा हम बनाते हैं, तो हमने बात क्या की कि भाई 3D है। अब मान लीजिए मैंने एक्स और वाई तो बना दिया, मान लीजिए ये हमारा एक्स और वाई हो गया, तो जेड एक्सिस आपकी इसके अलोंग होगी, मतलब ये एक लेयर सेम एज इट इज लेयर, ऐसे मान लीजिए अगर हम ऐसे लगाते हैं तो बेटा एक सेम एज इट इज लेयर आपको बाहर की तरफ दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां पर अरेंजमेंट आपका क्या होगा, AA होगा। अब बेटा हम बात करते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका। तो इसके अंदर क्या है कि भाई आपका है ना, एक तो क्या बन गया, AB बना हुआ था, AB, अभी बेटा हमने डिस्कस किया था जब हमने 2D के अंदर जब हमने डिस्कस किया था,
तो हमने बनाया था एबी अरेंजमेंट, ठीक है, एबी और बेटा ये एबी अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो बेटा उसी प्रकार एक्स और वाई के दोनों का आपने बना दिया। अब यहां पर जेड एक्सिस के लोग भी एक आपके पास लेयर आपको ऐसे ही दिखाई देगी, ठीक है ना। एक इमेजनरी मान लेते हैं हम, क्योंकि हम 2D के ऊपर ड्रा कर रहे 3D को, वो बेटा हम ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या है उसका बेटा अरेंजमेंट ए बी की तरह ही होगा, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो ध्यान रखना है कि वो ए बी ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, जो बेटा वो थर्ड लेयर यहां पर आती है इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, जब जेड एक्सिस आती है तो वहां पर बनते हैं बेटा आपके वॉइड्स। वॉइड कहने का मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, ठीक है, जिसको हम इंट्रेंसिक्स भी बोल देते हैं, इंट्रेंसिक, ठीक है, इंटरेस्टिंग बोल देते हैं जिसको हम, या वॉइड्स बोल देते हैं, एम्प्टी स्पेस बोल देते, एम्प्टी स्पेस होता है इसको बेटा हम होल भी बोल देते हैं, ठीक है, कि कुछ खाली जगह है वहां पर। जैसे मान लीजिए हमने लगाया इनके बीच में खाली जगह है, तो बेटा किसी भी वॉइड्स, इसके अंदर दो प्रकार के वॉइड्स बनते हैं, एक होता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और इसके लिए बेटा आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक उठानी पड़ेगी, वहां पर इसका एक अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है बेटा, जो वॉइड्स चार स्फीयर के साथ अटैच हो, ठीक है। तो मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा ए बी अरेंजमेंट ऐसा था, देखो आप इसको उठा लेना एक बार, ठीक है, एक बार इस सभी को भूल जाओ आप, मान लीजिए मैं बेटा यहाँ पर इसको जैसे इसी को बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये होगा बेटा एक, ये हो गया आपका, हो गया ना। अब क्या आएगा कि एक जेड एक्सिस का पार्टिकल, देखो यहाँ पर मैंने ऊपर डॉटेड लाइन में बनाया इसको, ठीक है, तो देखना 1, 2, 3 और 4, तो ऐसा एम्प्टी स्पेस, देखो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा एम्प्टी स्पेस जो चार स्फीयर के साथ अटैच हो, ठीक है ना, अटैच्ड विद, या आप ये बोल सकते हो सराउंडेड विद फोर स्पीयर, ठीक है बेटा। और इसको इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 2n, या बेटा 2n का मतलब क्या है, ये हमेशा डबल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अरेंजमेंट, ठीक है ना बेटा, कि किस अरेंजमेंट में पार्टिकल्स कितने हैं, ये उसका डबल होगा। मान लीजिए पार्टिकल 4 है तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो क्या होगा 4 स्फीयर के साथ अटैच होगा, ठीक है। उसी तरह बेटा क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिस तरह आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है उसी तरह आपका क्या होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी मैं आपको इसका भी रफली डायग्राम बना के दिखाता हूं, जैसे बेटा आपका ये हो जाता है, ठीक है ना, ये हो गए आपके 3। अब क्या होगा इस पे बेटा, जैसे ये मैं इनको थोड़ा ना डॉटेड लाइन के अंदर ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, ये बन गया जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला लेयर बाहर की तरफ होगी, इसका मतलब क्या है, जो बेटा 6 स्फीयर के साथ क्या होगा सराउंडेड होगा, सराउंडेड विद 6 स्फीयर, जो है ना 6 स्फीयर के साथ अटैच होगा, उसको आप क्या बोलते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अरेंजमेंट, किसी भी अरेंजमेंट में जो पार्टिकल्स होंगे वो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के इक्वल होंगे। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कोई भी आपका वॉइड स्पेस बने, कोई भी आपका क्रिस्टल लैटिक बनेगा, कोई भी मान लीजिए एचसीपी मान लीजिए सीसीपी मान लीजिए आप, एफसीसी मान लीजिए आप, बीसीसी मान लीजिए, ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया सीसीपी, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी, आप किसी को भी मान लीजिए बेटा, प्रत्येक 3-डायमेंशनल पार्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दोनों दो वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा डबल होता है किसका भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का।
ठीक है, तो बेटा अब हम बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, एक बार बता देता हूं मैं आपको, फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे वर्ड्स के बारे में बाद में। ठीक है ना भाई, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर बेटा आप सीसीपी की बात करते हो, ठीक है, या आप एचसीपी की बात करते हो, ठीक है ना भाई, और सीसीपी भी आपका एफसीसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं अलग लिख देता हूं, आप इसको उतार लेना, एफसीसी अरेंजमेंट के साथ लिख रहा हूं बेटा मैं ए बी, ठीक है, और ए बी, ठीक है ना, ये इसका क्या है अरेंजमेंट है, तो बेटा ए बी सी और ए बी सी, ये इसका अरेंजमेंट है। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं 12, एचसीपी के अंदर भी आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं 12, इसका आपको पता है क्या होता है ए बी और ए बी। ठीक है बेटा, अब बात कर देता हूं एक बार बीसीसी की, क्या होता है भाई बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या होता है ए बी अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है, अब कई बार वो आपसे पूछ लेता है कि भाई टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर, अभी आपने बनाया ना टेट्राहेड्रल वर्ड्स, उसके अंदर कितने होंगे, अभी बताया था मैंने आपको 4 पार्टिकल से अटैच होगा। ठीक है, उसका हो जाएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है ना बेटा, तो इनको याद करना आपको कितना हो जाएगा 4, और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना बेटा, तो ये आपके पास क्या थे, कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर थे 1 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर, और इनको आप एनसीईआरटी बुक के अंदर से पढ़ के देखिए, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो पूछिए। ये आज आपका टॉपिक था, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।